धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बच्चे के पहले बाल कटवाना बहुत जरूरी होता है। बच्चे के पहले बाल कटवाने को मुंडन कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसे चूड़ाकर्म कहते हैं। बच्चे के जन्म से लेकर बुढ़ापे तक कुल 16 संस्कार होते हैं, जिनमें चूड़ाकर्म को ही मुंडन संस्कार कहा जाता है। इस कर्म को कराना बेहद ही जरूरी होता है। इस कर्म के होने के बाद जहां बच्चे में बल बुद्धि का विकास होता है, तो वहीं वह अच्छा महसूस करता है। यदि बच्चे का मुंडन नहीं हुआ है तो परिजन उसे घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं देते। यदि ऐसी स्थिति में बच्चे को बाहर ले जाया जाता है तो उस पर ऊपरी हवा का साया भी लग सकता है, जिससे बच्चा अस्वस्थ हो जाता है या फिर बीमार पड़ जाता है। इन सभी बातों को लेकर हमने हरिद्वार के प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री से बातचीत की। उन्होंने चूड़ा कर्म को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार, मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होते हैं। 16 मैंने 16 संस्कार होते हैं, और जो चूड़ाकर्म संस्कार अर्थात मुंडन संस्कार, यह 8वां संस्कार होता है। तो इसमें बच्चे का जो मुंडन किया जाता है उसको कहाँ कराना चाहिए? जैसा कि कोई देवालय है, मंदिर है, अर्थात हमारी जो पवित्र नदियाँ हैं उनके किनारे मुंडन कराना शुभ होता है। इसके अतिरिक्त जब हम मुंडन कराते हैं तो उसके पश्चात उस बच्चे को कुछ, उसके सिर में कुछ ऐसा सतियाई बना देते हैं और उन बालों को गंगा में प्रवाहित करते हैं। इसके अतिरिक्त उसके पश्चात उस बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात क्या अच्छा प्रभाव पड़ता है? बच्चे के बल बुद्धि में विकास होता है और वह अच्छा अनुभव करता है। बच्चे का जब मुंडन हो जाता है तो उसकी जो जड़ें होती है ना बालों की, उसमें कीटाणु होते हैं, तो उससे भी बच्चे को मुक्ति मिल जाती है। और जो मुंडन पहली बार कराया तो उसके बाद जो केस नए आएंगे वो एक बड़े मजबूत बाल आएंगे, आनंद की अनुभूति होती है उसको। अगर बच्चे के जब तक हमने मुंडन संस्कार नहीं कराया है तो सभी समाज में ये प्रथा प्रचलित है कि बच्चे को कहीं दूर नहीं ले जाना है, कहीं दूर नहीं ले जा सकते, क्योंकि गांव में या समाज में परंपरा है कि सभी ये मानते हैं कि बच्चा यदि केश युक्त है, उसके बाल का मुंडन संस्कार नहीं हुआ, तो उसमें ऊपरी हवा का भी प्रभाव पड़ सकता है और बच्चे के ऊपर कुछ गलत ऐसी कुछ हवा का प्रभाव होता है कि बच्चा अस्वस्थ भी हो सकता है। तो समाज, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, वो बच्चे को बाहर जाने की आज्ञा नहीं देते, और बच्चा अगर मुंडन होने के बाद कहीं जा रहा है उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, उसके बाद कोई भी दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं होती।